बात होगी बेबाक, राजनीति के पैतरे हो या समाज से जुड़े मुद्दे, हर उस आवाज को मिलेगी जगह जिसका सरोकार हो आपसे। न लाग न लपेट, हम करेंगे खास मुलाकात। टमाटर सब्जी महंगाई पर अश्विनी चौबे पर कांग्रेस राजपुर विधायक ने कहा, पूर्व में नरेंद्र मोदी कहते थे महंगाई डायन खाए जाते, जहां अब महंगाई भौजाई हो गई है। टमाटर के लिए किसान ललायत है, सदन में काला गमछा और कुर्सियां चलाना कहां तक सही है। इस पूरे मामले को लेकर राजपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो नीतीश कुमार दूध के धुले थे, वे पाक साफ थे। जब वह महागठबंधन में आए तो कलंकित हो गए, उनमें सभी कमियां झलकने लगी। भाजपा सिर्फ जातिवाद, मंदिर मस्जिद मामले को लेकर उन्माद फैलाकर यह लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। जनता के विकास के लिए चिंता नहीं थी, 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम की बात करते हैं। वही हमारे विधानसभा क्षेत्र में देहाती इलाका है, इस इलाके में कहीं काम तो हुआ नहीं, सिर्फ 9 साल बेमिसाल। किस तरह का बेमिसाल, जहां आज 200 किलो टमाटर लोग खाने को ललायत है, टमाटर देखने को नहीं मिल रहा है। आम जनता को महंगाई के ताक पर झोंक देना किस तरह का बेमिसाल है यह। वही बिहार में शराबबंदी मामले को लेकर पूछने पर वह बाल बात को गोल मोल जवाब देते हुए टाल गए। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जहां नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय नरेंद्र मोदी कहते थे महंगाई डायन खाए जात है, जहां अब महंगाई भौजाई बन गई है। सिर्फ मन की बात कहते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं। विधायक ने सदन में हुए मरसल के द्वारा भाजपा के विधायकों को बाहर निकाले जाने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सदन में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर सीट पर बैठकर कुछ भी कह सकते हैं, मगर डी एरिया में जाकर काला गमछा लेकर अध्यक्ष के अलावे बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को धमकाना कहीं से उचित नहीं है। हमारे बिहार सरकार के मंत्रियों पर कुर्सियां चली थी, यह कहां तक सही है। सिटी न्यूज बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। न आप मालिक हो, जनता मालिक है तो जनता के बीच चलते हैं ना। जनता जी हिसाब करेगी कि कौन बढ़िया है, कौन लोकतंत्र के लिए बढ़िया है, सुरक्षित है, जो हमारे देश की जनता को सुरक्षित रख पाएगा। लोकतंत्र जनता के हाथ में है, लेकिन लोकतंत्र लगता है कि वो खरीद लिए हैं, जनता को खरीद लिए हैं, उस तरह अपने आप को दबंगई की भाषा का प्रयोग करते हैं। जंगल राज फिर से आगाज हो गए। फिर तो मैं वही कह रहा हूँ, कि जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे तो बहुत दूध के धूले थे और वो पाक साफ थे, लेकिन जब महागठबंधन में आए तो पवित्र हो गए, कलंकित हो गए। सारी कुछ जो व्यवधान जो कमियां आई, आज कमियां सभी नीतीश कुमार पर झलकने लगी। जबकि आज पहले कभी नौकरियों की वैकेंसी नहीं निकली थी, लेकिन नीतीश हमारे महागठबंधन में आए तो नौकरियां की वैकेंसियां निकलना चालू हो गई, वैकेंसियां निकलती है। और हम भी 3 साल से विधायक हैं, लेकिन 2 साल जो कार्यकाल गुजरा है, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में था, कभी रोड का विकास की बातें नहीं की गई, केवल जात पात उनका उन्माद फैलाकर, मंदिर मस्जिद का जनता में उन्माद फैलाकर ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। जनता को विकास के माध्यम से कभी 9 साल हो गया, 9 साल बेमिसाल की बात तो करते हैं, लेकिन जनता को बताना चाहिए ना। हमारे ग्रामीण, हम जिस क्षेत्र से बसिंदे हैं, जिस क्षेत्र से हम जीत के जाते हैं राजपुर में, राजपुर देहाती इलाका है, लेकिन राजपुर में अपना विकास की बात तो कहे कि हमने रोड बनवाया, गली बनवाया, ये किया, काम किया, ये काम किया, ये तो कहते नहीं। 9 साल बेमिसाल, किस तरह का बेमिसाल? क्या जनता को महंगाई के ताक में झोंक देना? आज 200 रुपये महंगाई, गरीब किसान टमाटर खाने को ललायत है कि टमाटर उनको देखने को नहीं मिल रहा? अदरक का जो स्वाद है, जो कभी कभी चाय में लोग यूज करते हैं, तो सरकार आपकी है, यहाँ पेट्रोल महंगा है और शराब हर जगह मिल रही है। ये शराब की बातें हम नहीं कह सकते, शराब बेचने वाला, खरीदने वाला, पीने वाला अलग विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महंगाई की जो बात होती है केंद्र सरकार तय करती है, और केंद्र सरकार के द्वारा एक बार आप लोगों को याद होगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय कहते थे कि महंगाई डायन खाए जात है। आज उनकी महंगाई भौजाई हो गई, जो उनको जनता हमारी त्राहिमाम महंगाई से है, लेकिन उनको अच्छा लगता है, इस पर कभी डिबेट जनता की बात नहीं करते। और सही पहली बात मैं आपको बताऊँ,
कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल 9 साल हो गए, कभी जनता की बात की है क्या? वो मन की बात करते हैं, जो उनके मन में होता है वही बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं। और जनता चाहती है कि आप हमारी बात करिए, जनता अपनी बात करने के लिए आपको सदन में बैठी है, भेजा बैठाई है कि जनता की आप बात करिए आप, लेकिन हमेशा अपनी मन की बात करते हैं। को कंट्रोल किया जाए, कैसे इस पर तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक चीज के लिए पूरी तरह से, देश में एक एक चीज जो हमारे लिए संवेदनशील है उसके लिए हम तैयार हैं। और जहाँ तक हमारे 22 ऐसे वस्तु जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में 22 ऐसे चीज आते हैं, चाहे वो तेलन हो, दलन हो, हमारे जो कुछ सब्जियाँ हैं, तो 22 में से टमाटर और प्याज भी आता है। और उस 22ों का दाम को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये हमारे द्वारा मॉनिटरिंग होता है, विभाग के द्वारा, हमारे मंत्रालय इसको मॉनिटरिंग बराबर डेली करती है। हमने स्वयं 5 दिन पहले इसकी एक हाई लेवल मीटिंग किया था अपने सेक्रेटरी के साथ, और मैंने निर्देशित किया था कि पूरे देश में जो टमाटर का उछाल आया है कुछ कारण से, तो उसमें 2 कारण है। एक तो राज्यों की सरकार को भी उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कहाँ क्या होर्डिंग हो रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर बजाबते नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ राज्य सरकार बिहार की जो हो या दूसरे सरकार, होर्डिंग भी आज सब लोगों को फ्री कर दिया है, पूरा लूट लो जितना लूट सकते हो। तो निश्चित रूप से राज्य की सरकार जहाँ संवेदनशील है वहाँ इस पर नियंत्रित करती है, और जहाँ राज्य की सरकार संवेदनशील नहीं है, जहाँ भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, वहाँ थोड़ा दाम भी बढ़ता है। तो हमारे यहाँ से जो बातचीत हुई, हमने नाफेड को, जो हमारे कृषि विभाग का मंत्रालय का एजेंसी है, और नाफेड आप जानते हैं कि देश भर में दलहन तेलन या इन सब चीज़ों का, तो अभी हम लोगों ने उनको पूरे भारत में नाफेड को, और जो NCCF जो हमारी हमारी विभाग की कॉपरेटिव एजेंसी है, इन दोनों को हम लोगों ने बांट करके पूरे देश में, और अपने तरफ से बिहार में भी कई जगहों पर उन्होंने अपना दुकान खोला, और उसको लेकर के जहां 160 170 180 चला गया था, आज टमाटर का भाव गिर करके देश भर में औसतन कहीं 100 है, कहीं 120 है, कहीं 90 पर आ गया। दिल्ली जैसे जगहों पर भी हमने कंट्रोल किया है, पूरी तरह से नियंत्रण हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटेक्ट होते हैं विपक्ष के ऐसे लोगों से, उन लोगों को विपक्ष की जहाँ सरकार है बंगाल में बिहार में, यहाँ जो ऊंची छलांग जा रही है, ये होर्डिंग कराए हुए हैं, इन पर नियंत्रण नहीं है सरकार की। मैं पूरी तरह से पूरे देश के सभी राज्यों को ये आग्रह करूँगा, राज्य की सरकारों को, कि वो जल्दी से ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर नियंत्रित करें, और सरकार को, सरकार हर संभव, बाबा के मान, हम NCCF और जो हमारे जवान नेफेड है, उन नेफेड को हम लोगों ने कहा है, हमने शाहबाद के भी तमाम DM को भी हमने खबर किया है कि भाई आप चाहो तो अपने एजेंसी के द्वारा जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, तो आप उनको दें, हम 80 रुपया में उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, 80 रुपया किलो ये नाफेड कर रही है। और मुझे लगता है कि आज से कल तक में पूरी तरह से अगले 2-3 दिन में नियंत्रण हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बाबा, एक जैसे सवाल उठ रहा है कि क्या